आई कर्स यू, यू विल गेट मैरिड टू योर फादर्स चॉइस. यही कहा था ना तुमने मुझे उस दिन? जो तुमने कहा वैसा ही हुआ है कभी? Just go from here, no? कभी जाओ यहाँ से, प्लीज. Just for 2 minutes, don't do that to me, ना? Please. 6 घंटे दिए थे ना तुमने मुझे उस दिन? वैसे छोड़ के चले जाओगे? लड़कियों को घर पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कभी, तो तुम नहीं समझोगे. डोंट हैव एनी सिस्टर्स ना? फिर भी आई थी तुम्हारे घर उस रात, वेट करी थी कि तुम आओगे. और तुम कब आए? 2 दिन बाद, जब सब खत्म हो चुका था. कहाँ थे तुम 2 दिन तक? सो रहे थे? प्रीति, उसे कोई आइडिया नहीं था कि तुम आई थी वो रात. मैंने रिसेंटली बताया उसको. तुम्हारा उस दिन फोन नहीं आया ना, तो वो साइक आउट होकर मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लिया, ओवरडोज हो गया था. इट वॉज अ होपलेस सिचुएशन फॉर हिम दैट नाइट. सीधे 2 दिन के बाद उठा, पर इस बीच में तुम्हारी शादी, उसकी भाई की शादी, सब कुछ एक साथ हो गया. जब होश में आया, आई टोल्ड हिम दैट यू आर गेटिंग मैरिड, एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही वाज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू प्रीति. और इसके बाद इसके पापा ने भी इसको घर से निकाल दिया. अकेला रहता था, सिर्फ हॉस्पिटल का काम करता था बस. अभी रिसेंटली घर वापस शिफ्ट हुआ है अपनी दादी के डेथ के टाइम. ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें पता रहे, क्योंकि ये बताएगा नहीं तुम्हें. अभी तुम लोग बात करो, आई वोंट डिस्टर्ब यू.